स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल कीमिया एकेडमी में। और आज हम देखने जा रहे हैं किसी भी प्रकार की TET परीक्षा हो तो राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्यों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ट्रिक की सहायता से हमको इनको याद करना है। सबसे पहला जो आपका राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, यहाँ पे जो पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया गया है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे आपको जिम और राजा इन दो शब्दों पर फोकस करना है, जिम और राजा। और आगे हमारा जो स्टेट दिया गया यहाँ पे, ये किस स्टेट में पड़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। तो हमें यहाँ पे दो शब्दों पर फोकस करना है कि जो राजा जी है, यहाँ पे पहले नाम पूरा कर लें, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है आपका, उत्तराखंड में है। और जो हमारा सेकंड दिया गया है राजा जी, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो अधिकतर होता क्या है कि जब आते हैं तो हम थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी एक लाइन याद करनी है, जो राजा जी हैं वो जिम करके क्या हुए, अखाड़े में उतर गए। राजा जी जिम करके अखाड़े में कैसे हो गए, उतर गए। उतर गए माने उत्तराखंड हो गया। और यहाँ पर हमने देखा जिम करके माने जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कौन, राजा जी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो इससे आप दो राष्ट्रीय उद्यानों को सीख सकते हैं, एक तो आपका हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। और जो दूसरा दिया गया है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कहाँ पे पड़ता है, हमारा उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो राजा जी जिम करके उतर गए, अखाड़े में उतर गए। तो यहाँ से आप उतर गए यानी उत्तराखंड हो जाएगा, कौन, राजा जी जिम करके उतर गए यानी उत्तराखंड। उतर गए यानी उत्तराखंड, कौन उतर गए, राजा जी, क्या करके, जिम करके। तो जिम करके माने जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पे है, ये भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला हम देखेंगे, अगले फिर हमने दोनों साथ में लेके रखे हैं, एक नल था नल, अब सरोवर यहाँ पे हम छोड़ देंगे, याद करना है ट्रक की सहायता से। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये आपका कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और अगला दिया गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारे हिसाब से यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने 11th 12th में जब भी साइंस पढ़ी होगी तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये अच्छे से याद कर लिया हो गया। इसमें क्या पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं। ये कहाँ पे होता है आपका, गुजरात में पाया जाता है यानी गुजरात में है। तो नल से क्या हो रहा था, गिर रहा था, नल समझ ले यहाँ पे, नल हो जाएगा। नल से क्या हो रहा था, कुछ गिर रहा था, कहाँ पे गिर रहा था, गुजरात में। जब मैं एक बार घूमने के लिए गुजरात गया तो गुजरात में क्या था, जो नल लगा हुआ था उस नल से कुछ गिर रहा था। तो नल से क्या गिरेगा, पानी ही गिरेगा, और तो कुछ गिर नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नल से गिर रहा था, कहाँ पे गिर रहा था, गुजरात में। कहाँ पे गए थे आप, गुजरात में गए थे। तो जब मैं गुजरात गया था तो वहां पे जो नल था, नल से कुछ गिर रहा था। तो नल सरोवर, नल से क्या हो जाएगा, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। और अगर ये आपका दूसरा क्या दिया गया, इसी में गिर राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य और गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं आपके, गुजरात में पाए जाते हैं। आपको एक लाइन याद करनी है कि जब मैं गुजरात गया था तो मैंने वहां पर देखा कि नल से कुछ गिर रहा था। तो नल से गिर रहा था, नल सरोवर पक्षी हो जाएगा यहाँ पे आपका अभयारण्य। और अगला गिर रहा था यानी क्या हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं, या शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके चार हो जाएंगे पॉइंट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी जिम करके कहाँ पे गए, उतर गए अखाड़े में। और अगला दिया गया था नल, जब मैं गुजरात गया तो गुजरात में मैंने देखा कि नल से क्या हो रहा था, कुछ गिर रहा था। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे पाया जाता है आपका, गुजरात में पाया जाता है। और अगला दिया गया है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। अब हम देखेंगे आगे जो हमारा दिया गया है, तो यहाँ पे अगला दिया गया हमारा रणथंभौर। और अगला इसी में आपको साथ में किसके सीखना है, केवलादेव घना पक्षी बिहार। तो इसमें हम लेके चलेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है आपका, रण राजस्थान में। और यहाँ पे केवलादेव घना पक्षी बिहार,
केवलादेव घना पक्षी विहार ये भी कहाँ पे है आपका, राजस्थान में। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा राजस्थान में क्या होता है, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि जो क्षेत्र है वो रेगिस्तानी है, मरुस्थल ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसके हिसाब से आपने याद कर ही लिया होगा, वहाँ की जो पत्तियाँ हैं अपने आप को कांटों में परिवर्तित कर लेती हैं। कांटों में परिवर्तित करने के कारण उन पत्तियों से जो वाष्पोत्सर्ण की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्ण की क्रिया कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमें यहाँ पे फिलहाल में अभी सीखना है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, तो हम दो को लेकर चलेंगे। एक तो हमारा क्या दिया गया है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका राजस्थान में होता है। और अगला क्या दिया गया है, केवलादेव घना पक्षी विहार, ये भी आपका कहाँ पे है, राजस्थान में। तो राजस्थान में जैसा कि अभी हमने याद किया कि जब मैं गुजरात गया था तो मैंने वहां पर देखा कि नल से कुछ गिर रहा था, तो नल से आपका हो जाएगा नल सरोवर हो जाएगा, ये आपका कहाँ पे होता है, गुजरात में है। और अगला दिया गया था यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्या यहाँ पे है आपका, ये भी हमारा गुजरात में ही है। इसी प्रकार जब घूमने के ऊपर ही लेके चलेंगे हम, जब मैं वहां पर राजस्थान घूमने के लिए गया तो मैंने वहां पर राजस्थान के लोगों से सुना कि केवल केवल राजस्थान के व्यक्तियों से, कौन कह रहा है, जो राजस्थान के जो व्यक्ति हैं, राजस्थान के व्यक्तियों ने क्या कहा कि केवल रण, रण यानी क्या होता है, युद्ध या लड़ाई से समझ लें, केवल रणथंभौर माने केवल यही पाने के लिए क्या कहते हैं, लड़ते हैं, यानी रणथंभौर हो जाएगा यहाँ पे। तो केवल यानी क्या हो जाएगा, केवलादेव घना पक्षी बिहार, कहाँ के लोगों का कहना है ये, केवल हम ही लड़ते हैं, राजस्थान के लोगों का कहना है, किसके लिए, पानी के लिए। तो यहाँ पे केवल से हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी बिहार, ये आपके राजस्थान में है। और रणथंभौर माने पानी के लिए बड़ी दिक्कत होती है, तो पानी के लिए रण यानी लड़ाई होती है, युद्ध का क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे और हाँ, रण राजस्थान के मैदान को भी कहते हैं। आपने बच्चा देखी होगी, वो एड देखा होगा अमिताभ बच्चन जी का, आता है कच्छ वाला स्थान बताते हैं वो। यहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो ये हमारे हो जाएंगे केवलादेव, केवल हम ही रण करते हैं यानी लड़ते हैं, किनका कहना है ये, राजस्थान के लोगों का कहना है। तो यहाँ पे आपके दो हो जाएंगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, और केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे है आपका, राजस्थान में ही उपलब्ध है। अब हमें देखना है अगला हमारा दिया गया है, दो फिर से हम एक साथ सीख के चलेंगे। एक तो हमारा है मानस और दूसरा है काजीरंगा, इन दोनों को हमें साथ सीखना है, मानस और काजीरंगा। तो यहाँ पे हम देखें मानस राष्ट्रीय उद्यान, इसको मैं थोड़ा सा वन्य जीव साथ में अच्छे से लिख देता हूँ, मानस, मानस वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पे है, असम में है। मानस वन्य जीव कहाँ पे है आपका, असम में है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को फिर से एक साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पे देखें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है आपका, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है आपका, असम में पड़ता है। और दूसरा दिया गया है मानस वन्य जीव अभयारण्य, तो जो मानस वन्य जीव अभयारण्य होता है ये भी कहाँ पे है हमारा, असम में है। तो इसको हमें सीखने के लिए ट्रिक का उपयोग करना है, कैसे सीखेंगे हम, काजीरंगा से केवल क्या निकाल लेंगे, काजी को बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ से मानस से क्या निकाल लेंगे, मान। तो काजी का जो मान होता है वो आसमान के समान होता है, असम से हम क्या याद कर लेंगे, आसमान याद कर लेंगे। तो काजी जानते होंगे, काजी का जो मान होता है ये किसके समान होता है, आसमान के समान होता है, माने उसकी वैल्यू बताई गई है काजी की। तो यहाँ पे जो काजी का जो मान होता है ये किसके समान होता है, आसमान के समान होता है। तो काजी से क्या हो जाएगा, काजी रंगा हो जाएगा, और मान से क्या हो जाएगा, मानस हो जाएगा, किसके समान होता है आपका, तो ये असम, आसमान, आसमान से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीखेंगे मानस वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पे पाया जाता है, असम में पाया जाता है, और काजी रंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे पाया जाता है हमारा, असम में ही पाया जाता है। अगला दिया गया पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, केरल में पाया जाता है, पेरियार केरल। तो केरल से आपको याद करना है केवल, केवल नामक शब्द यहाँ पे हम याद करेंगे, पेरियार माने बुंदेलखंडी भाषा में समझ लें, जब कोई कपड़ों से समझ लें कोई पहन के आता है तो वो ये गांव के लोग कहते हैं कि पेरियार, पेरियार की जगह यहाँ पे पेरियार, केवल, केवल पेरियार माने केवल पेरियार, यानी केवल से हो गया केरल, और पेरियार से आपका पेरियार दिया ही गया है।
केवल यानी केरल, पेरियार यानी पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। तो जो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है ये कहाँ पे पड़ता है, केरल में पड़ता है। और अगला दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका क्या होता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे क्या पाया जाता है, दूध का उत्पादन किया जाता है यानी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके लिए मेरे हिसाब से ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। तो इन राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में से किसी भी पर्यावरण से, किसी भी परीक्षा में यदि पर्यावरण से कोई टॉपिक या क्वेश्चन पूछा जाता है तो अधिकतर यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो यहाँ पे आपका ये अधिकतर पूछा गया है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य आपका असम में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गुजरात में है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तराखंड में दिया गया है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है, आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल की मैं अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।